यह Xiaomi 11i Hypercharge जिसमें आपको 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, और कंपनी क्लेम करती है कि 15 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। तो भाई सच में फोन फुल चार्ज होता है 15 मिनट में, ये किस हद तक सिक्योर है, आज हम इस वीडियो में सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो आरंभ करते हैं। तो बात कीजिए फर्स्ट ऑफ अनबॉक्सिंग के बारे में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ये ब्लैक कलर का बॉक्स देखने को मिल जाता है, सिलिकॉन केस देखने को मिलता है व्हाइट कलर का। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे बात कीजिए तो यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। उसके आगे चलते तो हमें यहाँ पे मेन फोन देखने को मिलता है, फोन को रखते हैं साइड में। और भाई इसके बाद भाई हमें इतना बड़ा चार्जर, मतलब 120 वोल्ट का जो चार्जर है सच में भाई बहुत भारी है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी तक आपने 65 वोल्ट तक सुना होगा, बट भी इसमें आपको 120 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाता है। उसके बाद तो यहाँ पे आपको USB-to-USB टाइप सी का केबल भी देखने को मिल जाता है। अब हम आते हैं मेन फोन के ऊपर। तो जैसे कि आप देख रहे हो जो फोन है ये पर्पल कलर में हमने परचेस किया है, और भाई फर्स्ट इंप्रेशन बात कीजिए बहुत बेस्ट है। इस बात की जब फर्स्ट पर बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो इसमें आपको जो साइड का फ्रेम प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, बैक पैनल इसमें आपको जो है ग्लास बैक का देखने को मिलता है। बात कीजिए ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिजाइन शानदार है, हालांकि बॉक्सी डिजाइन के साथ में आता है। अब आपको पता है कि भाई आईफोन में बॉक्सी डिजाइन देखने को मिल रहा है, तो सब धीरे धीरे वही कॉपी करेंगे, लेकिन भाई इसमें जो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। बात कीजिए ये फोन आपको 207 ग्राम का देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा हैवी तो आपको लगेगा, जस्ट 100 फीलिंग तो आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा हैवी तो लगेगा। बट ओवरऑल बात कीजिए बिल्ड क्वालिटी डिजाइन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सब कुछ इन्होंने अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है। बात कीजिए डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट समथिंग AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट, वाइड ऑन L1 सर्टिफाइड देखने को मिलता है, और भाई इसमें आपको 1300 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और भाई डिस्प्ले की जो क्वालिटी है मुझे शानदार लगा है। HDR कॉन्टेंट अगर आप देखते हो, मतलब अगर कुछ भी आप मीडिया कंज्यूम करते हो, तो आपको इससे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपको फ्रंट में कोरिंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, बीच में आपको पंच होल वाला नोज देखने को मिल जाता है। और भाई ओवरऑल डिस्प्ले शानदार है, बढ़िया है, मुझे से कोई भी दिक्कत नहीं लगी है। बात कीजिए प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब इसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप, LPDDR4 इसकी रैम टाइप, और भाई इसमें आपको पूरे के पूरे 8 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और भाई देखिए अब तो BGMI बैन ही हो गया, हालांकि तो उसको टेस्ट करने का तो कोई तो बनता ही नहीं। हालांकि यहाँ पे आप जैसे Geekbench स्कोर देख लीजिए, उसके बाद में हमने यहाँ पे थ्रोटल रन भी कराया हुआ, तो ठीक ठाक रहा सब कुछ। पावर फिजिक्स मुझे अच्छी खासी देखने को मिली, डेल्ट क्लच परफॉर्म करना हुआ, और सारा अगर मल्टी मीडिया करते हो, मल्टी टास्क परफॉर्म करते हो, तब रूप से आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आराम से आपका पूरा दिन निकाल देगा, जरा से भी हैंग नहीं होगा, जरा से भी लेग आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। UI की बात, इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 Android 12 पे रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और भाई देखिए Xiaomi के ब्रांडिंग के साथ में, तो भाई इसमें मुझे ज़्यादा एड्स देखने को नहीं मिला। हाँ भाई फर्स्ट फोन है एक हिसाब से बात कीजिए, तो मेरे सामने आए हुए इसमें आपको ज़्यादा ब्लूटूथ एड्स देखने को नहीं मिले, ज़्यादा एड्स देखने को नहीं मिले, क्योंकि देखिए Xiaomi के ब्रांडिंग के साथ में तो उसके जो मतलब जो होती है मात्रा, जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। हालांकि कुछ जो ऐप्स आए हुए थे अलग से, मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया, और मुझे क्लीन और बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिल गया। अब इसमें मुझे जरा से भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली, और UI मुझे इसमें थोड़ा बढ़िया देखने को मिला। बात कीजिए बैटरी और चार्ज के बारे में, तो भाई बैटरी और चार्जर इसका मेन मुद्दा है। देखिए 11i में आपको 67 वोल्ट देखने को मिलता है, बट 11i हाइपर चार्जर है, तो भाई यहाँ पे आपको जो है 4500 mAh की बैटरी, 120 वोल्ट का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलता है। और भाई देखिए कंपनी क्लेम करती है कि आपका जो फोन है वो 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, लेकिन मैं जब हमने इसे टेस्ट किया तो ये जो फोन है ये 18 मिनट में फुल चार्ज हुआ। बस मैंने खुद पर्सनली फोन को फुल चार्ज करके देखा, तब मुझे पता चला कि भाई 18 मिनट में फोन फुल चार्ज हो रहा है। देखिए जो कंपनी क्लेम करती है वो सही होता है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर एकदम पूरा अच्छे से कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से वो करती है टेस्ट। और अगर आप बाहर आते हो तो भाई इन्वायरमेंट आपका कैसा है, कैसे आप यूज करो, किस हिसाब से फोन को रख रहे हो, किस हिसाब से फोन का यूज करो, वो सब मैटर करता है। तो 15 अगर उन्होंने बताया तो अगर 18 भी जा रहा है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त तरीके से चार्ज होना। हालांकि आपके दिमाग में ये जरूर कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि भाई फोन ही क्या सिक्योर है, क्या फोन ही ब्लास्ट होने का तो खतरा नहीं। देखिए भाई कंपनी अगर कुछ दे रही है कुछ सोच समझ के दे रही होगी। हालांकि यहाँ पे आपको 2250 एमएच की दो बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसे अलग अलग तरीके से मतलब एक साथ ही दोनों चार्ज होती है, तो आपको एक साथ में 4500 एमएच की बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बल्कि एक बार में 2250 मतलब पैरेलल होकर बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। जो हीटिंग होने की प्रॉब्लम होती है, फिर जो फटने का प्रॉब्लम होता है वो भी कम हो जाता है। हालांकि
यहाँ पे आपको दुनिया भर के सेंसर्स भी लगाए गए होते हैं, जहाँ पे अगर आपको फोन ओवर हीट दिखता है तो ऑटोमेटिक जो चार्जिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। अगर आपको फोन को 120 वोल्ट चार्जर से चार्ज करने तो आपको अंदर सेटिंग में जाकर वहाँ पे बूस्ट मोड को ऑन करना पड़ेगा। तो जो डिफॉल्ट रोलर है वहाँ पे 67 वोल्ट पहले से चालू होता है, तो जब अगर बूस्ट मोड आप ओपन नहीं करते हो तब तक भाई वहाँ पे आपको 120 वोल्ट का आपका फोन चार्ज नहीं होगा। और देखिए कंपनी दे रही है तो जहाँ तक चांसेस है सिक्योर ही होगा, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि भाई अगर हम ऐसे ही दे देंगे और कोई दिक्कत आ गई तो भाई कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा केस हो सकता है, कंपनी बहुत दिक्कत में आ सकती है, तो वो टेस्ट करके रख सकते हैं। हालांकि आपको बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप कभी फोन चार्ज करते हो भाई डायरेक्ट धूप में ना रखिए, सनलाइट में ना रखिए, कभी फोन चलाइए नहीं, जिस टाइम चार्ज हो रहा है उसको शांति से पड़े रहने दीजिए, ठंडे माहौल में रखिए, ज्यादा गर्म माहौल में ना रखिए, तो फोन के फूटने फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। बात कीजिए कैमराज के बारे में, तो इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। बात कीजिए फोटोज की क्वालिटी ऊपर, तो भाई देखिए फोटोज की क्वालिटी मुझे ठीक लगी है, फोटोज की क्वालिटी से मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। हालांकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि पंची कलर दे देता है, तो भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नए नए फोन आ रहे हैं वहाँ पर आपको पंची कलर ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को पंची कलर पसंद होता है बट कुछ लोगों को पंची कलर नहीं पसंद होता है। तो यहाँ पर जैसे लगता है ऑटोमेटिक ही HDR को ऑन करके रखता हूँ, हालांकि मैंने सेटिंग में जाकर उसे बंद भी किया तब पर यहाँ पर पंची कलर दे रहा था, क्योंकि मुझे ठीक ठाक लगा और मुझे इससे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। बात की जाए वीडियो के बारे में, तो यहाँ पर आपको बैक में 4K 60fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वीडियो क्वालिटी हो भी मुझे बढ़िया लगी, डिसेंट से लगी, ज्यादा कोई नोज देखने को नहीं मिला, क्लैरिटी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बात कीजिए फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है और उसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक की है, ज्यादा यहाँ पे आपको नोज देखने को नहीं मिलता, शार्पनेस देखने को नहीं मिलता, ठीक ठाक आपको क्लैरिटी भी देखने को मिल जाती है, क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। आपको फ्रंट में 1080p में 30fps तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और वीडियो की क्वालिटी भी ठीक ठाक की, अगर आप लेते हो कॉन्टेंट क्रिएटर हो, फोटोज वीडियोज अगर आपको शूट करना होता है जिससे आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बात की सेंसर्स के बारे में, देखिए भाई Xiaomi की ऐसी जगह यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हमेशा कर लेते हैं, यहाँ पे आपको साइबर फिंगरप्रिंट सेंसर, फिर सेलो का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, 3.5mm जैक, डुअल स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, दो सिम माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ में यूज कर सकते हो। बात से ओवरऑल भाई फोन मुझे ठीक है। प्राइसिंग के बारे में, 8GB और 128GB के साथ में इसकी प्राइस 28,000 रुपये देखने को मिल जाता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे चेक करते रहिएगा, 28,000 के हिसाब से तो मुझे उतना ज्यादा वर्थ इट नहीं लगा, ठीक है अगर आप 28,000 भी खर्चा कर रहे हो तो भाई आपके मन में ऐसा दुख नहीं होगा। बट क्या होता है कभी कभी ये सेल में 25,000-26,000 के आसपास देखने को मिल जाते हैं, तो आप उसमें ले लीजिएगा तो और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। लेकिन अगर आपने 28,000 में परचेस करी है फिर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन है, बढ़िया है, मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। आप परचेस करोगे तो आपको पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है। तो चलिए अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।